ये सवाल हिना से है. हाय हिना, पीछे सोनल दसाई. हिना, इबादत की बात आपने की, आपने कहा बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर हैं, तो क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ो ही हैं, आपका टाइम स्केड्यूल इस तरह का रहता है, तो पांच वक्त की नमाज आप क्या पढ़ पाती हैं, क्या वो सारी चीज़ें रमज़ान के रोज़े ये सारी चीज़ें आप रख पाती हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल पाँच वक्त नमाजी हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है आई मेक श्योर, जैसे रमज़ान है अभी रिसेंटली आई मेरे लिए भी एक टेस्ट था, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे शेयर किया था. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप शेयर करते हैं तो शायद एक दिखावा है या कुछ है, बट हम एज पब्लिक फिगर्स ये सोचते हैं कि शायद हमारे शेयर करने से किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, चाहे वो दो लोगों में आए या दस लोगों में आए. मेरे वो वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि मैंने आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई वर्कआउट एवरी डे, एंड आई मेड श्योर कि मैं पानी ना पी के और अपने प्रोटीन्स ना लेके भी वर्कआउट कर सकूँ. आई केप्ट इट लाइट बट आई मेड श्योर दैट आई डू इट. मेरा जब भी रोज़ा होता है, अभी तक जितने भी रोज़े मैंने रखे, और जहाँ तक नमाज की बात है, हमारे मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रियायत है. मिस्टर चिश्ती भी इस बात पे अग्री करेंगे कि हम अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, ट्रैवल हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम इशारों में भी नमाज अदा कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफ़िक जगह या कोई स्पेसिफ़िक टाइम, या टाइम डेफिनेटली बट स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस. क्योंकि आपने कहा ना कि जो आप सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आप जो कहते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए मेरा सवाल था, क्योंकि आप अगर खुद अमल करते हैं तो सामने वालों को डेफिनेटली अमल करते हैं, ऑफ कोर्स अमल करते हैं. हाय, दिस इज उसामा हियर फ्रॉम IWM बस. माय क्वेश्चन इज टू हिना. जैसे कि हम टिपिकली देखते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्यार में रोजे रखते हैं, तो क्या रॉकी आपके लिए रोजे रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. वेल, द क्वेश्चन इज वेरी इररिलेवेंट बट आई विल स्टिल लाइक टू आंसर दिस. He doesn't. कभी नहीं हुआ है ऐसा. I mean, वो he can't stay without water. Okay, रमज़ान काफ़ी बरकत का महीना होता है, तो ऐसी कोई यादें रमज़ान से आपकी जुड़ी हुई हों जो आप शेयर करना चाहें? रमज़ान से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन से लेके आज तक. आई थिंक रमज़ान में आप जब रोज़े रखते हैं काफ़ी लंबा, और अब तो गर्मियों में और भी मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब आप साफ पाक नियत से अगर रोज़ा रखें तो आपको आसानी होती है. गॉड रियली हेल्प्स यू, आई फील. मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप रोज़े रखते हैं. लेकिन बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि एक छोटा सा, इट्स सिली बट आई लाइक टू शेयर, कि मी एंड माई ब्रदर लाइक वी यूज़ टू जानबूझ के सोने की एक्टिंग करते थे रोज़ा नहीं रखने के लिए. नहीं रखना है रोज़ा जब हम 5-6 साल के थे, तो 5-6 साल के टाइम से ही घर में ऐसा होता था कि कोशिश करो. कोई प्रेशर नहीं था, मेरे घर में कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है. इट वॉज़ ऑलवेज लाइक कि नहीं रख पाई तो तुम पानी पी लेना, खाना खा लेना आधे दिन बाद, बट ट्राई. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़ इन मी, दैट आई ऑलवेज ट्राई. वो अब तो खैर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ऐसे बचपन की यादें हैं जहाँ पर वी यूज टू एक्ट स्लीपी एंड सो दैट वी कैन अवॉइड फास्टिंग. शादाब शैतान भाई, Thank you.
उनके ऊपर आप लोग उनके ऊपर जा रहे हैं। चलो हो गया।